तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा? और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसका क्या रेट होगा? कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। ये थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आक्रामक नजर आए, लेकिन क्यों? पहले मामला आपको बता देते हैं जिसकी वजह से ये बयानबाजी शुरू हुई। तो मामला है घूस का। घूस किसने ली? ईडी के अफसर ने, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की, ऐसा पुलिस का आरोप है। ये कारनामा जिन्होंने किया, उन पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी थी। अब स्क्रीन पर गौर करिए, अपनी उंगलियों से आंखों को ढककर अपने किए को छिपाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति का नाम बाबूलाल मीणा है। जो दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, वो है मणिपुर के इम्फाल के ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा। दोनों ने मिलकर हरियाणा के एक व्यापारी से घूस ऐंठने की कोशिश की, एक मुकदमे में उनकी मदद करने के लिए, उनका नाम और उनकी प्रॉपर्टी मुकदमे में ना अटैच करने के लिए 17 लाख रुपए की डिमांड की थी। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी डॉक्टर रवि के अनुसार 20 अक्टूबर को राजस्थान के एसीबी दफ्तर में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद एसीपी ने ट्रैप के जरिए आरोपियों को 15 लाख रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। डीआईजी डॉक्टर रवि ने क्या बताया, सुनिए। देखिए, एसीबी राजस्थान ने आज कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें मसला ये है कि हमारे जो परिवादी हैं, उनसे इन्होंने एक मुकदमे में मदद करने के लिए, उसमें मुलजिम नहीं बनाने के लिए और इनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो परिवादी ने क्या कहते हैं एसीबी मुख्यालय पे शिकायत की, जिसका हमने वेरिफिकेशन कराया। सत्यापन करने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि वाकई जो है कंप्लेनेंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से मांगे जा रहे हैं, किसी वैध कार्य के लिए नहीं मांगे जा रहे हैं। तो उसको वेरीफाई करने के उपरांत, सत्यापन करने के बाद हमने ट्रैप ले किया, और ट्रैप के दौरान आज क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की राशि डिलीवर करते समय हमने सस्पेक्ट ऑफिसर के जो सहयोगी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सस्पेक्ट ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। मामला राजस्थान का है, जहां इसी महीने चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। क्योंकि मामला ईडी से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस नेता ने इस मामले को सीधे केंद्र की राजनीति से जोड़ दिया। पवन खेड़ा किशोर कुमार का एक गाना भी सुनाते हैं, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। गाने के जरिए पवन खेड़ा क्या कहना चाहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती, और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। अभी आपने पवन खेड़ा को सुना, जिसमें वो हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के गुस्से की कुछ और वजहें भी हैं। ये पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब पिछले दिनों ईडी ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सर्च के दौरान उनके दोनों बेटों के खिलाफ ईडी को कुछ जानकारी मिली। इसके बाद 1 नवंबर को ईडी ने दोनों बेटों को समन जारी किया। पूछताछ के लिए अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। इसके एक दिन बाद 2 नवंबर को ही जयपुर एसीबी ने ईडी अफसर को अरेस्ट कर लिया। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अब वो तो बीजेपी के पास में वोट नहीं है, तो ये अपने चलाएंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने इनकी पूरी तरीके से ही एक्सपोज हो चुके हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने में। किसान को हमेशा टीडी ने नुकसान पहुंचाया, किसान के बेटे को ईडी से नुकसान पहुंचाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। जनता हमारे साथ में, हमारे काम हमारे साथ में, 3600 कौम हमारे साथ में।
ईडी से जुड़े मामलों पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट को एक्सप्रेस ने दो टाइम फ्रेम्स में बांटा है, एक 2004 से 2014 का जब सरकार यूपीए गठबंधन की थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा 2014 के बाद का जब सरकार एनडीए गठबंधन की बनी और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद से 121 प्रमुख नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, इसमें 115 नेता विपक्षी दलों के थे। गणित की भाषा में कहें तो 95% नेता विपक्ष के थे। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का कहना कि ईडी मामलों में साफ दिखाई देता है कि वो विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाती है। वहीं बीजेपी कई बार ही कह चुकी है कि ये सभी मामले वाजिब कारणों से उठाए गए हैं। बहरहाल चुनावी मौसम में बहस चलती रहेगी और जो होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए खबर लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।